नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2014 में जब से मोदी ने देश की सत्ता संभाली, तब से भले ही वो विपक्ष की आंखों में खटक रहे हो, लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हों, लेकिन एक जनता ही है जिन्होंने हमेशा पीएम मोदी को सिर आंखों पर बैठाया। फिर चाहे वो नोटबंदी का दौर हो या फिर जीएसटी का, जनता ने हर मोड़ पर पीएम मोदी का साथ निभाया है और पीएम मोदी को खुद भी इस बात पर अटूट विश्वास है कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन जनता जनार्दन उनका साथ नहीं छोड़ने वाली है। तभी तो अपनी रैलियों में वो अक्सर जनता का प्यार, उसके आशीर्वाद का जिक्र करना नहीं भूलते। अब आलम यह है कि मोदी के समर्थक, उनसे प्यार करने वाली जनता विरोधियों की रैलियों में भी जाकर मोदी का गुणगान करने लगी है। जैसे अभी हाल ही में भोपाल में कंप्यूटर बाबा के साथ रोड शो कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के रोड शो में ही देखने को मिला, जहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जब चौक इलाके से रोड शो गुजर रहा था, तभी सड़क के किनारे खड़े लोग जोर जोर से हर हर मोदी के नारे लगाने लगे थे। बस फिर क्या, रोड शो में भगवा वस्त्र में मौजूद पुलिस ने मोदी मोदी के नारे लगाने वालों पर FIR दर्ज करने में जरा भी देर नहीं की, जिसके बाद दिग्विजय सिंह और खुद कंप्यूटर बाबा का भी थोड़ा असहज हो जाना लाजमी ही था, क्योंकि रोड शो कांग्रेस प्रत्याशी का था और लगने लगे थे मोदी मोदी के नारे। जिसे विपक्ष ने सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना देखा। विपक्ष का लोकसभा चुनाव 2019 का एजेंडा ये चुनाव जीतना नहीं है, देश का विकास करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी को सत्ता से हटाना है। इससे पहले बंगाल में ममता दीदी के रोड शो में जब जय श्री राम के नारे लगे थे, तो उन पर भी FIR दर्ज कर ली गई थी। अब ये समझ पाना मुश्किल है कि लोकतंत्र के महापर्व के दौर में आखिर ये कैसी सियासत छिड़ी है कि कुछ बोलने पर भी FIR दर्ज की जा रही है, जबकि ये वही विपक्ष है जो लोकतंत्र और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ढिंढोरा पीटता है। बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट से जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर करीब 16 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ उनके ही दिए भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे तमगे को झेलने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, जिनका दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुस्सा कुछ ऐसा है कि वो पूरी तरह दिग्गी से बदला लेने का मन बनाए बैठी है। अब 23 मई के रिजल्ट बताएंगे, जो पूरी तरह जनता के ही हाथ में है कि उन्होंने हमेशा की तरह इस चुनाव में भी मोदी का साथ दिया है या नहीं, मोदी का जनता पर अटूट विश्वास सच भी साबित होता है या नहीं। साथियों, जब देश असुरक्षित रहेगा, आतंकवादियों के निशाने पर रहेगा, तो विकास कैसे होगा? आपने देखा, श्रीलंका में गाड़ी था, बंगला था, सब चर्च में गए थे, लेकिन लौट करके वापिस नहीं आए, आतंकवाद ने सब तबाह कर दिया। जौनपुर का क्या उस दिन को भूल सकता है जब श्रमजीवी एक्सप्रेस में धमाका हुआ था, एक दर्जन से अधिक मासूम रेल यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। भाइयों और बहनों, 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान से आए आतंकी, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए आतंकी देश को डराते रहते थे, लेकिन बीते 5 वर्ष में देश को दहलाने वाले ये लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों,
और जम्मू कश्मीर के छोटे से हिस्से तक सिमट गए हैं। और कारण एकदम साफ है, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 2014 के पहले धमाके होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, 2014 के बाद ये सब बंद क्यों हुआ? क्या कारण है? क्या कारण है ये बंद कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। मोदी ने नहीं किया, ये तो आपके एक वोट ने किया है। आपके एक वोट ने, ये आपके वोट की ताकत है कि देश आतंकवाद के सामने आज लड़ाई लड़ रहा है। मजबूत सरकार बनी है। भाइयों बहनों, आज हमारे सपूत पाकिस्तान में घुसकर के आतंकियों को मारते हैं। एक घुस करके मारना ठीक नहीं है, घुस करके मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आतंकवाद जहां से आता है वहीं हमला बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। इतना ही नहीं, देश के भीतर छुपे गद्दारों को मत और पंथ से ऊपर उठकर सजा दी जा रही है। यही नीति हमारी है जिसके बल पर हमने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। तभी देश इस चौकीदार पर भरोसा करता है। साथियों, विकास तभी संभव है जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा। आज मुझे खुशी है कि प्रयागराज सहित पूरे यूपी में योगी जी की सरकार ने गुंडों और बदमाशों पर लगाम लगाई है। सपा बसपा के राज में जो गुंडे बेलगाम होकर हमारी बहन बेटियों को डराते थे, हमारे व्यापारी कारोबारियों को परेशान करते थे, वो आज जेलों में बंद पड़े हैं। ये जो ढोल बज रहा है उन्हें अगर बंद करे तो मेहरबानी होगी। 23 तारीख को इतने ढोल बजाने हैं, इतने ढोल बजाने हैं। यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो आधुनिक हो ही रहा है, कानून व्यवस्था भी सुधर रही है।
यानी अब उद्योगों के लिए, विकास के लिए एक बेहतर माहौल तैयार है। यूपी में विकास का डबल इंजन बनाए रखने के लिए अब आपको फिर कमल के फूल पर बटन दबाना है। याद रखिए, न जात पर, न नाम पर बटन दबेगा काम पर, न जात पर, न नाम पर बटन दबेगा कमल के निशान पर।